हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर इन जनरल स्टडीज़। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर्स। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि फुल कोर्स वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंटर्स। अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड जनरेट्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स और टेक्स्ट ऑन अ पेपर। प्रिंटर वो आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डेटा लेता है और आउटपुट जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स टेक्स्ट ऑन अ पेपर। यानी हमें पेपर पर हार्ड कॉपी मिल जाती है प्रिंटर से, जो डेटा हमारा कंप्यूटर में सेव होता है सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी। द फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर डिजाइन वॉज अ मैकेनिकली ड्रिवन अपरेटस बाई चार्ल्स पापेज फॉर हिज डिफरेंस इंजन इन द 19th century में। जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर डिज़ाइन हुआ था वो डिज़ाइन किया था चार्ल्स पापेज ने अपने डिफरेंस इंजन के लिए इन 19th century में, और इस कंप्यूटर प्रिंटर को हम मैकेनिकल प्रिंटर भी कहते हैं। द फर्स्ट कमर्शियल प्रिंटर्स जनरली यूज मैकेनिज्म्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक टाइप राइटर्स एंड टेलीटाइप मशीन्स। जो फर्स्ट कमर्शियल प्रिंटर्स थे वो कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते थे? इलेक्ट्रिक टाइप राइटर्स की और टेलीटाइप मशीन्स वाली टेक्निक्स यूज़ करते थे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, ये कुछ इमेजेस हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। एन इम्पैक्ट प्रिंटर मेक्स कॉन्टेक्ट विद द पेपर। It usually forms the print image by pressing an inked ribbon against the paper using a hammer or pins. Impact printer कैसे काम करते हैं? They make contact with the paper. यानी printer की जो cartridge है, जो ribbon है, वो paper से touch होती है. और कैसे print image आती है? एक inked ribbon है, वो paper के against touch होता है with the help of hammer or pins. तो friends, जो impact printers होते हैं, ऑल काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, उन सभी की सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उन सब में एक ही मैकेनिज्म यूज़ होता है। वो मैं आपको बताती हूँ कि ऑल इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या मैकेनिज्म यूज़ होता है। इसमें हैमरिंग और हिटिंग वाला हम मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक इंक रिबन है, एक पेपर होता है, एक होता है प्रिंट हेड जिसे हम कहते हैं हैमर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो प्रिंट हेड है, हैमर है, वो रिबन को स्ट्राइक करती है, रिबन को हिट करती है, और रिबन के आगे लगा रखा होता है हमने पेपर, और वो रिबन पेपर पर टच होता है जिससे कि प्रिंटिंग होती है पेपर पर। तो सभी इम्पैक्ट प्रिंटर्स यही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। डिफरेंस क्या है सभी इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, कि वो जो हेड हम बनाते हैं, प्रिंटिंग हेड जो है, वो किस तरीके से बनाया हुआ होता है, उसको हम किस फॉर्म में बनाते हैं, क्या टेक्निक उसमें यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स को कैटेगराइज करते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है? वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट। इनकी जो कॉस्ट होती है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, वो कम होती है एज कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। वेरी नॉइसी, बट इनका ड्रॉबैक क्या है अगर हम इनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स से कंपेयर करें, कि ये नॉइसी होते हैं। यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट। और अगर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिंटआउट्स निकालते हैं, ऑफरली अगर यूज़ ज़्यादा है प्रिंटिंग का, प्रिंटआउट्स निकालने का, तो हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही प्रेफर करते हैं। There is physical contact with the paper to produce an image. ये basic technique है impact printers की, कि paper और ribbon जो है वो touch होता है जब printing होती है। अब type of impact printers, impact printers हमारे two types के होते हैं, character printer and line printer. Character printers, character printers are the printers which print one character at a time. कैरेक्टर प्रिंटर्स कैसे होते हैं, जो पेपर पर वन कैरेक्टर एट ए टाइम प्रिंट करते हैं। पूरी लाइन प्रिंट नहीं होती, पूरा पेज एट ए टाइम प्रिंट नहीं होता, एक कैरेक्टर एट ए टाइम प्रिंट होता है। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। जो कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं वो फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, जस्ट रिमेंबर कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है,
डेजी व्हील प्रिंटर है, ये हमारे कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यहाँ मैंने इसकी इमेज दिखाई हुई है एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो क्या फंक्शनैलिटी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की? इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है इन द मार्केट। द फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वॉज क्रिएटेड बाई IBM इन 1957 में। सबसे पहला जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आया था वो IBM कंपनी ने बनाया था 1957 में। द फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई सेंट्रोनिक्स इन 1970s में। और फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द सेंट्रोनिक्स इन 1970 में आया था, बाय सेंट्रोनिक्स कंपनी ने बनाया था। अब क्या फंक्शनैलिटी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कैसे काम करता है? टू क्रिएट लेटर्स एंड इमेजेस द प्रिंट हैड विच कंटेन्स पिंस सिट्स ओवर एन इंक रिबन। इसमें अब क्या टेक्निक है, एज आई टोल्ड यू कि इसमें थ्री थिंग्स होती हैं, एक हैमर है, हैमर के बाद एक रिबन होता है और रिबन के बाद एक पेपर होता है, ठीक है। और इसका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो प्रिंटिंग हेड है वो कैसे बना हुआ होता है, वो उसमें छोटी छोटी पिंस लगी हुई होती हैं। एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारी पिंस हैं, यानी एक कैरेक्टर बहुत सारी छोटी छोटी पिन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और वो जब वो कैरेक्टर वो हैमर हिट करती है रिबन को, तो वो एक कैरेक्टर की रिलेटेड सारी पिंस हिट करती हैं पेपर पर, और पेपर पर डॉट डॉट्स की फॉर्म में जो है वो कैरेक्टर बन जाता है। तो दिस रिबन रेस्ट जस्ट अबव अ पीस ऑफ पेपर, जो रिबन है वो पेपर के ऊपर सेट किया हुआ होता है। एज द प्रिंट हेड मूव्स अक्रॉस द रिबन द पिंस आर प्रेस्ड इनटू द रिबन टू इम्प्रिंट इंक ऑनटू द पेज। और ये जो हेड होता है, प्रिंटिंग हेड है, ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव करता है, और जो भी अकॉर्डिंग टू हमारी प्रिंट जॉब जो कैरेक्टर्स करेक्ट पोजीशन पर आ जाते हैं जब, तो रिलेटेड पिंस जो है वो हिट होती हैं और कैरेक्टर्स डॉट डॉट्स की फॉर्म में पेपर पर प्रिंट हो जाता है। एज दीज पिंस प्रिंट सीरीज ऑफ डॉट्स यू कैन सी वेयर दिस प्रिंटर गॉट इट्स नेम। अब क्योंकि वो डॉट डॉट्स की फॉर्म में आती है, हेडर पर जो कैरेक्टर्स बने हुए हैं वो छोटी छोटी पिंस के उसमें बने हुए हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं, क्योंकि जो आउटपुट आती है, जो प्रिंटिंग आती है, वो कैरेक्टर्स जो होते हैं डॉट्स की फॉर्म में होते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की? इनएक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता कंपैरेटिवली। वाइडली यूज्ड, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बैंक्स में भी और अदर ऑफिसेज में भी, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही यूज़ हो रहा होता है। अदर लैंग्वेजेस कैरेक्टर कैन बी प्रिंटेड, इसमें जो प्रिंट हेड पर सेट कर देंगे वो लैंग्वेजेस के हम कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं। थोड़ी ड्रॉबैक क्या है, स्लो स्पीड, कि इन प्रिंटर्स की जो स्पीड है वो स्लो होती है, और पुअर क्वालिटी, एज वी नो दैट कि वो डॉट डॉट की फॉर्म में जो कैरेक्टर्स आते हैं दैट आर नॉट ऑफ सो गुड क्वालिटी, वो इतनी गुड क्वालिटी के या ज़्यादा रीडेबल नहीं होते हैं वो। सो नेक्स्ट इज डेजी व्हील प्रिंटर। जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है डेजी व्हील प्रिंटर, इस पर वही फ्रेंड्स, सिर्फ हम हेड को हमने किस टेक्निक से बनाया है यही डिफरेंस है डेजी व्हील प्रिंटर्स में और अदर काइंड ऑफ प्रिंटर्स में भी। तो इसमें देखते हैं कि हेड की फंक्शनैलिटी कैसे है। इन ऑर्डर टू गेट द क्वालिटी ऑफ टाइप फाउंड ऑन टाइप राइटर्स अ डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर कैन बी यूज्ड। जैसे हम टाइपराइटर से जो प्रिंट आउट आता है, यानी कैरेक्टर्स जो सॉलिड फॉर्म में आते हैं, अगर हमें उस टाइप की प्रिंटिंग चाहिए होती है तो हम डेजी व्हील प्रिंटर्स यूज़ करते हैं। जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो डॉट डॉट में नहीं प्रोड्यूस करता, वो एक सॉलिड कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है। इट इज़ कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर बिकॉज द प्रिंट मैकेनिज्म लुक्स लाइक अ डेजी। इसको हम डेजी व्हील प्रिंटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका जो हेड है सेटअप वही है, पिंस हैं हमारे पास, या हैमर हम कह सकते हैं, लेकिन हैमर्स को हमने किस तरीके से सेट किया हुआ है, एक व्हील की फॉर्म में सेट किया हुआ, इसको डेजी व्हील बोलते हैं। तो एट द एंड ऑफ ईच पेटल इज अ फुली फॉर्म्ड कैरेक्टर विच प्रोड्यूसेस सॉलिड लाइन प्रिंट। इसके एट द एंड ऑफ पेटल पर एक कैरेक्टर है प्रॉपर, हमने पिंस नहीं लगाई हैं, छोटी छोटी डॉट्स जिससे प्रोड्यूस होती हैं, एक प्रॉपर कैरेक्टर होता है हर एक हैमर के टॉप पर जो हिट करती है रिबन को, और वो सॉलिड कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हो जाता है ऑन द पेपर।
जैसा कि पिक्चर में मैंने दिखाया हुआ है ऊपर देखें कि इसका जो ये हेड है फ्रेंड्स, कि जो हेड है उसको एक ये प्लास्टिक या फिर मेटल की एक डिस्क टाइप होती है, जिसमें ये जो हैमर्स हैं हमारी, ये हमने एक व्हील की फॉर्म में सेट की हुई होती हैं। और प्रिंटर में क्या होता है कि ये जो डेजी व्हील है ये लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, और इसके जो ये पिन्स हैं ये सर्कुलर रिवॉल्व करती हैं। जैसे करेक्ट कैरेक्टर, जो जॉब प्रिंट हमने दी हुई है, करेक्ट कैरेक्टर आ जाता है तो अगर वही रिलेटिव जो हैमर है वो पेज रिबन को हिट करती है और वही जो कैरेक्टर है एक सॉलिड फॉर्म में जो है पेपर पर प्रिंट हो जाता है। और ये जब इसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर पेपर आगे मूव हो जाता है। अ हैमर स्ट्राइक्स अ पीटल कंटेनिंग अ कैरेक्टर अगेंस्ट द रिबन पर स्ट्राइक करती है एंड द कैरेक्टर प्रिंट्स ऑन द पेपर, और कैरेक्टर पेपर पर प्रिंट हो जाता है। इट्स स्पीड इज स्लो, टिपिकली 25 to 55 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। डेजी व्हील प्रिंटर्स की जो स्पीड है वो 25 से 55 कैरेक्टर होती है। और एडवांटेजेस क्या हैं डेजी व्हील प्रिंटर की? मोर रिलायबल देन DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से रिलायबल है, बेटर क्वालिटी, उससे बेटर क्वालिटी है, फॉन्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी ईजिली चेंज्ड, इसमें भी फॉन्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? स्लोअर देन DMP, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से थोड़े स्लो होते हैं, बिकॉज जो पिन्स वाला जो प्रिंटिंग हेड है वो फास्ट मूव करता है लेफ्ट टू राइट, और जो ये व्हील है डेजी व्हील ये रिलेटिवली स्लो स्पीड पर मूव करता है। नेक्स्ट इज नॉइसी, ये ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। मोर एक्सपेंसिव देन DMP, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट इज लाइन प्रिंटर्स, ये फिगर में मैंने एक लाइन प्रिंटर शो किया हुआ है। लाइन प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम, जो हमारा डेजी व्हील प्रिंटर है और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो एट ए टाइम वन कैरेक्टर प्रिंट करते हैं ऑन द पेपर, लेकिन जो हमारे लाइन प्रिंटर्स हैं वो एक टाइम पर पूरी लाइन प्रिंट होती है। इनकी क्या टेक्निक है, इसमें पूरी एक लाइन जो जॉब प्रिंट है हमारी उसकी पूरी एक लाइन एट ए टाइम प्रिंट होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो लाइन प्रिंटर्स हैं वो हमारे कैरेक्टर प्रिंटर से तो फास्ट ही होते हैं। लाइन प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी फर्दर हमारे दो टाइप के होते हैं, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर्स फ्रेंड्स टू टाइप्स के हैं, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर, अ ड्रम प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंड्रिकल ड्रम दैट हैज रेज्ड कैरेक्टर्स इन बैंड्स ऑन इट्स सर्फेस। अब ड्रम प्रिंटर कैसे एक लाइन प्रिंट करता है एट ए टाइम? जो ड्रम प्रिंटर है इसमें एक सॉलिड सिलेंड्रिकल ड्रम है, जैसा कि इमेज में मैंने दिखाया हुआ है, तो उस ड्रम के ऊपर फ्रेंड्स जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फाबेट्स हैं वो प्रिंट किए हुए होते हैं एक लाइन में। तो क्या होता है कि सेम है टेक्निक, तो ड्रम है, ड्रम के बाद रिबन है, फिर पेपर, और ड्रम रिबन के पहले क्या होता है हमारा ये हैमर होता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स ड्रम प्रिंटर में, कि जो हमारी हैमर होती है, हैमर अब रिबन को स्ट्राइक नहीं करती, इसमें हैमर पेपर को स्ट्राइक करती है। ड्रम प्रिंटर में पहले क्या है, सिलेंडर है, फिर रिबन है, और फिर उसके बाद पेपर है, पेपर के बाद हमारा प्रिंटिंग हेड होता है, हैमर पेपर को स्ट्राइक करती है ड्रम प्रिंटर में, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा सिलेंडर है ये रोल करता है, जैसे ही करेक्ट कैरेक्टर आता है पेपर पर हैमर हिट करता है वहाँ पे और एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, और जैसे जैसे वो रोल कर रहा है वैसे वैसे हमारा जो हैमर है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, सिलेंडर भी रिवॉल्व करता है साथ साथ और हैमर भी मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और उसकी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होते होते जो हमारा हैमर है वो पूरा राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट का मूवमेंट कंप्लीट कर लेता है। और इस तरीके से ड्रम की वन रोटेशन पर एट द एंड ऑफ द रोटेशन एक लाइन कंप्लीटली हमारी प्रिंट हो जाती है ऑन द पेपर। इसमें एक चीज़ और है नोट करने वाली, कि जो प्रिंट सिलेंडर का साइज़ होता है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू हमारा जो पेज का जो साइज़ है, प्रॉपरली क्या लाइंस कहाँ तक प्रिंट होनी है वो सेटिंग की हुई होती है इसमें।
द नंबर ऑफ प्रिंट पोजिशंस अक्रॉस द ड्रम इक्वल्स द नंबर अवेलेबल ऑन द पेज. इसकी यही सेटिंग मैंने आपको बताई कि जो प्रिंट पोजीशंस हैं, जो कैरेक्टर्स हमने उस पर प्रिंट बना रखे हैं ना सिलेंडर के ऊपर, वो हमारे पेज के साइज के अकॉर्डिंग हमने सेट किए हुए होते हैं. द ड्रम रोटेट्स एट अ रैपिड स्पीड. फॉर ईच पॉसिबल प्रिंट पोजीशन देयर इज अ प्रिंट हैमर लोकेटेड बिहाइंड द पेपर. दीज हैमर स्ट्राइक द पेपर अलोंग द इंक रिबन अगेंस्ट द प्रॉपर कैरेक्टर ऑन द ड्रम एज इट पासेस. जैसे मैंने आपको बताया कि जो हैमर है वो पेपर को हिट करती है जैसे ही करेक्ट कैरेक्टर की पोजीशन आती है अक्रॉस द सिलेंडर, और वो कैरेक्टर जो है उस पर प्रिंट होता चला जाता है और वो रोटेट होता रहता है हमारा ड्रम, और लास्ट में क्या होता है कि एक पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है और पेपर थोड़ा अप मूव हो जाता है. वन रिवोल्यूशन ऑफ द ड्रम इज रिक्वायर्ड टू प्रिंट ईच लाइन. एक पूरा रिवोल्यूशन से एक लाइन प्रिंट होती है. तो टिपिकल स्पीड ऑफ ड्रम प्रिंटर्स आर इन द रेंज ऑफ 300 टू 2000 लाइंस पर मिनट. इनकी टिपिकल स्पीड कितनी होती है, 300 से 2000 लाइंस पर मिनट ये प्रिंट करते हैं. मींस ड्रम प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो हाई होती है. एडवांटेजेस क्या है इसकी, वेरी हाई स्पीड. डिसएडवांटेजेस क्या है, ये एक्सपेंसिव है. कैरेक्टर फोन्स के नॉट बी चेंज्ड. इसके पे एक बार जो बन जाता है वही इसके वही उसी टाइप के प्रिंट से देता है. टिपिकली अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ कि जो हमारे ड्रम प्रिंटर होता है, सपोज इसके सिलेंडर पे हमने कोई इमेज को पंच कर दिया है और फिर ये उसी टाइप की बहुत सारे जो पेपर्स अगर हम मुझे निकालने हैं हाई बल्क में, तो सिर्फ उसी को प्रिंट करने के काम आता है. सो नेक्स्ट इज चेन प्रिंटर. A chain printer uses a chain of print characters wrapped around two pulleys. अब chain printer में क्या difference है, क्या technique है? Basic तो वही है, ribbon है, hammer है, paper है. और difference क्या चीज़ है, characters कैसे आ रहे हैं? एक chain हमने बनाई हुई होती है जो दो pulleys पर बंधी हुई होती है और वो move करती है across that pulley. और जैसे ही correct character आता है वो ये भी पेपर को ही हिट होता है. इसमें भी हैमर पेपर को हिट करती है ऑन द रिबन, रिबन से, और वो कैरेक्टर वहाँ पे प्रिंट हो जाता है पेपर पर. लाइक द ड्रम प्रिंटर वही है कि यहाँ पर भी हैमर पेपर को हिट करती है. देर इज़ वन हैमर फॉर ईच प्रिंट, और हर एक प्रिंट कैरेक्टर के लिए एक हैमर बनी हुई होती है. सर्किट्री इनसाइड द प्रिंटर डिटेक्ट्स व्हेन द करेक्ट कैरेक्टर अपीयर्स एट द डिजायर्ड प्रिंट लोकेशन ऑन द पेज. यही अंदर वही सर्किटरी हमने बनाई हुई है कि वो डिटेक्ट करता है प्रिंटर कि अब करेक्ट जो प्रिंट जॉब में है कैरेक्टर, वो कैरेक्टर की पोजीशन आ गई है, तो अब उसको हैमर को हिट करना है. द हैमर देन स्ट्राइक्स द पेज. पेज को स्ट्राइक करती है प्रेसिंग द पेपर अगेंस्ट अ रिबन एंड द कैरेक्टर लोकेटेड एट द डिजायर्ड प्रिंट पोजीशन. और क्या होता है कि जो कैरेक्टर होता है जब रिबन को पेपर को हिट होता है हैमर, ठीक है, चेन को हिट होता है, तो वहाँ जो सही कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाता है ऑन द पेपर. An impression of the character is left on the page. The chain keeps rotating until all the required print positions on the line have filled. अब इसमें भी क्या होता है, वो पूरी एक लाइन इसका जो प्रिंटिंग हेड है वो भी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, और वो जो हमारी चेन है वो भी रिवॉल्व करती है. जब एक रिवोल्यूशन पूरा हो जाता है तो एक पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है. स्पीड्स ऑफ द चेन प्रिंटर्स रेंज फ्रॉम 400 टू 25 कैरेक्टर्स पर मिनट. इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 400 से 2500 कैरेक्टर्स पर मिनट. एडवांटेजेस क्या है चेन प्रिंटर की, कैरेक्टर्स फॉन्ट्स कैन बी ईजिली चेंज हो जाते हैं इसमें, ड्रम प्रिंटर में नहीं हो पाते. डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन बी यूज विद द सेम प्रिंटर. और डिसएडवांटेज है कि नॉइस, सिर्फ ये नॉइस प्रोड्यूस करते हैं. तो नेक्स्ट इज बैंड प्रिंटर. फ्रेंड्स, जो बैंड प्रिंटर है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू चेन प्रिंटर. द ओनली डिफरेंस इज दिस कि इसमें हम एक चेन नहीं यूज़ करते, इसमें हम एक बैंड यूज़ करते हैं. बैंड मूव करता है, रेस्ट ऑफ द टेक्निक इज सिंपल सिमिलर. अ बैंड प्रिंटर ऑपरेट्स सिमिलर टू अ चेन प्रिंटर एक्सेप्ट इट यूजेज अ बैंड इंस्टेड ऑफ अ चेन एंड हैज़ फ्यूअर हैमर्स. इसमें उससे कम हैमर्स होती हैं. बैंड प्रिंटर हैज़ अ स्टील बैंड डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस ऑफ 48 कैरेक्टर्स ईच. उस बैंड को, स्टील का बैंड होता है, उसको अलग अलग 48 सेक्शंस में हम डिवाइड कर लेते हैं एक ही बैंड को, तो हमें कम हैमर्स इसमें यूज़ होती है. उस बैंड पर ही अगेन एंड अगेन वही कैरेक्टर्स उन्हीं हैमर से काम चल जाता है.
The hammers on a band printer are mounted on a cartridge that moves across the paper to the appropriate positions. Characters are rotated into place and struck by the hammers. बिल्कुल सेम प्रिंसिपल यूज होता है कि बैंड रोटेट करता है और हैमर्स पेपर को हिट करती है और कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाते हैं. एडवांटेजेस की कैरेक्टर फॉन्ट्स कैन ईजिली भी चेंज कर सकते हैं. डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड विद द सेम प्रिंटर और लेस नॉइसी है देन चेन प्रिंटर. उससे ये लेस नॉइसी होता है. तो फ्रेंड्स ये तो डिस्कस किए हमने आज इम्पैक्ट प्रिंटर्स और साथ साथ में मैंने आपको हर एक प्रिंटर की स्पीड भी बता दी है सो दैट कि आप थोड़ा एनालाइज कर सकें कि आपको स्पीड के बेस पर जो है कौन सा प्रिंटर आपके लिए बेटर है वाइल शॉपिंग फॉर अ प्रिंटर. तो दीज आर आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है या कोई क्वेरी है प्रिंटर से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें. वीडियो पसंद आया है शेयर करें, लाइक करें. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.